बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन 7। सो इट सेज शोज अ हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग वायर पी क्यू, करंट इज इन दिस डायरेक्शन राइट, देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, द करंट पी क्यू इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिटरमाइन द इफेक्ट। अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो वी विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पहली फिंगर जो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग है, यू विल कीप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस डायरेक्शन में आप अपने इंडेक्स फिंगर को रखेंगे लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर को, और मिडल फिंगर विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो हमारा थंब इज अपवर्ड आउटवर्ड्स, सो वी विल सी से कि द वायर एक्सपीरियंस अज अ फोर्स आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स, दोनों वर्ड यूज करते हैं, विल एक्सपीरियंस एंड आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स फोर्स राइट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहेंगे एक नंबर इसका है, ठीक है राइट जी। नेक्स्ट पार्ट है कि स्टेट द इफेक्ट ऑफ पी क्यू इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेट की फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी तो वो ज़्यादा फोर्स लगेगी, इट विल एक्सपीरियंस अ लार्जर फोर्स, और वी कैन से इट विल मूव मोर आउटवर्ड्स राइट जी। नेक्स्ट पार्ट इज सेज द फिगर शोज पार्ट ऑफ अ टॉर्च, टॉर्च डज नॉट कंटेन अ बैटरी, बैटरी नहीं है। द टॉर्च इज शेकन, दिस कॉजेज द मैग्नेट टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स, एक्सप्लेन व्हाई ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल। जी बेटा, व्हाट हैपन्स जब ये मैग्नेट मूव करेगा करीब और दूर, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल की तरफ, जब वो करीब होगा तो इंक्रीज होगी और जब दूर होगा तो, यानी मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। अच्छा, फील्ड चेंज होगी तो द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज्ड, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना और मैग्नेटिक लाइंस कट होना बोथ आर सेम। हाउ वुड यू से कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द कॉइल विल इंक्रीज और डिक्रीज चेंज, विच विल कॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स टू चेंज एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इन अदर वर्ड्स, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट द मैग्नेटिक लाइंस अक्रॉस द कॉइल विल बी कट। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना और मैग्नेटिक लाइंस कट होना एक ही मतलब है, विच विल कॉज एन ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड, लेकिन ये वाला आंसर बेटर है राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट इट सेज स्टेट वन वे टू इंक्रीज द ईएमएफ, तो उसके एक से ज़्यादा मेथड है। वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, वी कैन यूज अ स्ट्रोंगर मैग्नेट, वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ मैग्नेट और कॉइल, दोनों में से जिसको मर्जी मूव कर लें। वी कैन यूज आयरन कोर इन द कॉइल। बेटा ये फोर मेथड्स, तो इनमें से आप किसी को भी यूज कर राइट। नेक्स्ट, एज द मैग्नेट मूव्स इनटू द कॉइल ईएमएफ प्रोड्यूस अ करंट, करंट आ जाता है। एक्सप्लेन हाउ दिस अपोजेज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। बेटा इट इज़ अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ कि जब कॉइल में करंट आएगा वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगी, किसी भी कंडक्टर में करंट वो मैग्नेटाइज हो जाती, मैग्नेट बन जाती, और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा या अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा। व्हाट विल हैपन कि जब हम मैग्नेट को करीब लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को इधर लेके जा रहे हैं, तो द कॉइल विल रिपेल
अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, और ये आपने मेंशन करना है। जब हम करीब लेके जा रहे हैं मैग्नेट को, तो कॉयल के जो पोल हैं, कॉयल के इस साइड पर नॉर्थ पोल आएगा, दूसरी साइड पर साउथ पोल, और वो रिपेल करेगी। सिमिलरली जब हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो ये अट्रैक्ट करेगी ओपोजिट पोल, यानी कॉयल में यहाँ साउथ पोल आ जाएगा, दूसरी साइड पर नॉर्थ, और वो जो साउथ पोल है ये मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, मूवमेंट को अपोज करेगा, राइट। सो वी विल से कि व्हेन मैग्नेट इज़ मूव्ड द पोल्स आर इंड्यूस्ड इन द कॉयल सच दैट दे विल अपोज द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। थोड़ा एलेबोरेट करना है तो यू विल से व्हेन वी मूव नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द कॉयल द नॉर्थ पोल विल इंड्यूस विच विल रिपेल, एंड व्हेन वी मूव द नॉर्थ पोल फ्रॉम द कॉयल साउथ पोल विल बी इंड्यूस एट द राइट हैंड, राइट मैग्नेट टू बी अपोज्ड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन सी अ सर्किट कंटेनिंग 230 वोल्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट है, ध्यान में रखिएगा। सप्लाई कनेक्टेड टू टेलीविजन एंड टू लैंप्स। अच्छा ये देखिएगा, ये जो पावर सप्लाई है ये टेलीविजन के और लैंप्स के साथ पैरेलल है। पैरेलल में ध्यान में रखना आपने कि जो वोल्टेज होता है वो सबको सेम मिलता है, मीन्स ये 230 वोल्ट है ना, तो टेलीविजन को भी 230 मिल रहे हैं, राइट, और हर लैंप को भी 230 वोल्ट मिल रहा है, पैरेलल में वोल्टेज इज सेम। अच्छा जी नेक्स्ट इट सेज कैलकुलेट पार्ट ए नॉर्मल ऑपरेशन, और उस वक्त बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड, क्लोज का मतलब ऑन ऑन आता है, राइट। तो पार्ट ए वन इट सेज द टोटल नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स सप्लाइड इन वन आवर। तो बेटा जी उसका फॉर्मूला क्या होता है, वाट्स किलोवाट आवर नंबर ऑफ किलोवाट आवर वाट्स जितने भी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000। तो भाई जब नॉर्मल ऑपरेशन है तो टोटल वाट कितने हो गए, 120 40 और 40, ये 80 और 120, यानी जो नॉर्मल है वो 200 वाट्स हो जाएंगे ना टोटल सबके, और आवर उसने 1 ही का है डिवाइडेड बाय 1000। सोल्व करेंगे तो 0.2 विल बी द आंसर, यूनिट नहीं भूलनी, किलोवाट आवर, ठीक है। तो 0.2 किलोवाट आवर इज द आंसर। अच्छा जी नेक्स्ट इज द करंट इन ईच लैंप, ईच मतलब एक लैंप। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई किसके इक्वल होता है, वी ओवर आर। अच्छा रेजिस्टेंस पता ही नहीं है तो हमें तो पावर गिवन है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी का होता है पी इज इक्वल टू वी आई। इलेक्ट्रिसिटी के सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला दो कौन से हैं, एक वी इज इक्वल टू आई आर एंड द नेक्स्ट वन इज पी इज इक्वल टू वी आई। तो हमें पावर गिवन है ईच लैंप की, तो हर लैंप का हमने करंट फाइंड करना है, तो पावर गिवन है पी इज इक्वल टू वी आई से आई इज इक्वल टू पी ओवर वी। तो पावर कितनी है, 40, एंड वोल्टेज पैरेलल में सबको सेम टोटल मिलेंगे 230, राइट। अच्छा जी नेक्स्ट देखेंगे, एक्सप्लेन व्हाई द स्विचेस आर प्लेस इन लाइव वायर एंड नॉट इन न्यूट्रल वायर। बेटा उसकी रीज़न है कि जो हाई वोल्टेज जो करंट आता है वो लाइव वायर में से आता है, राइट। तो प्रोटेक्शन अगर हमें चाहिए तो लाइव वायर से चाहिए। अगर हम स्विचेस को न्यूट्रल वायर पे लगाएंगे इसका मतलब लाइव वायर हर वक्त कनेक्टेड रहेगी, तो उससे हाई वोल्टेज से कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, राइट। जैसे कोई जानवर है वैसी हो जाता है, तो आप अगर कोई हर्डल रखना चाह रहे तो अपने और उसके बीच में रखेंगे। इस तरह जो हम सेफ्टी ऑप्शन रखना चाह रहे हैं तो वो हमेशा जहाँ से हाई वोल्टेज आना है लाइव वहाँ
और अप्लायंस के बीच में रखेंगे। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि अगर हम न्यूट्रल वायर पे लगाएंगे देर विल बी नो प्रोटेक्शन फॉर द अप्लायंस फ्रॉम द हाई वोल्टेज कमिंग फ्रॉम द लाइव वायर एंड इट कैन बर्न। और अदर रीज़न इज दिस कि लाइव न्यूट्रल वायर पे स्विच लगाएंगे तो मींस के लाइव वायर हर वक्त कनेक्टेड है, स्विच न्यूट्रल वायर पे लगा हुआ है, तो मींस कि वो वायर हायर लाइव के साथ अप्लायंस लाइव वायर यानी हाई वोल्टेज के साथ हर वक्त कनेक्टेड है। तो कोई भी पर्सन विच इज़ अर्थ बेयरफुट कैन गेट इन कॉन्टेक्ट एंड कैन गेट अ शॉक, राइट, अगर कोई मेटेलिक पार्ट को। सो दो रीज़न इसकी कि दे विल बी नो प्रोटेक्शन फॉर द अप्लायंस फ्रॉम द हाई वोल्टेज कमिंग फ्रॉम द लाइव वायर, इट कुड बी फ्रॉम ड्यू टू एनी शॉर्ट सर्किट और रीज़न, और द अदर द अप्लायंस विल बी लाइव और मींस एट हायर वोल्टेज, लाइव बाय हाई वोल्टेज पर, एंड अ पर्सन अर्थड कैन रिसीव अ शॉक फ्रॉम इट, राइट जी। नेक्स्ट सेज के एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग वायर्स इन पैरेलल क्या है, हाउ वुड यू से कि पैरेलल का ये फ़ायदा होता है कि दोनों को फुल वोल्टेज मिलते हैं, सो दे विल ब्राइट फुली। दूसरा एडवांटेज कि अगर एक बल्ब ऑन या ऑफ हो जाए उससे दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा ये है कि हम अपनी मर्जी से एक को ऑन कर ले दूसरे को ऑफ कर सकते हैं, राइट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पावर स्टेशन, राइट शोन। अच्छा जी, इसमें ये कंट्रोल रोड्स हैं, जस्ट मैं आपको एक रिव्यू दे दूँ जल्दी से। कंट्रोल रोड कैडमियम या बोरोन के जो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर सकती हैं। अच्छा जी, देन कम्स द मॉडरेटर जिसका काम है न्यूट्रॉन को स्लो करना ताकि रोड्स न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर सकें और हमें चाहिए भी स्लो न्यूट्रॉन्स। फ्यूल रोड यूरेनियम की यूजली होती हैं जिनको जिनसे हमें जिनकी हमें फीयन करनी है। अच्छा जी, अब ज़रा पार्ट पे आ जाएंगे नेक्स्ट पे। इट सेज के डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फीयन दैट अकर्स इन फ्यूल रोड। तो वो क्या होता है बेटा कि स्लो न्यूट्रॉन आर बम्बार्डेड एंड फॉर न्यूट्रॉन ऑन यूरेनियम रॉड्स एंड इट मेक्स द यूरेनियम ऑलरेडी अनस्टेबल है टू स्प्लिट इन टू टू न्यूक्लियाई स्मॉलर, और साथ में तीन छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स भी आते, राइट, और अलोंग विद एनर्जी एनर्जी भी रिलीज होती है। तो क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ अनस्टेबल यूरेनियम न्यूक्लियाई बाय स्ट्राइकिंग इट स्लोअर न्यूट्रॉन इंटू टू स्मॉलर डॉटर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई कह लें, ठीक है, रिलीजिंग न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी अलोंग विद इट, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट इज सेज एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स एज अ कंट्रोल रोड इज मूव्ड आउट ऑफ द रिएक्टर कोर। बेटा जी, जो ये कंट्रोल रोड्स हैं ना, ये न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करती हैं, जब हम इन्हें आगे मूव करते हैं ना तो ये ज़्यादा आगे आएंगे तो न्यूट्रॉन्स के लिए आगे जाना मुश्किल हो जाएगा, लेस न्यूट्रॉन और नो न्यूट्रॉन विल फ्लो, और अगर हम इन्हें बाहर निकाल दें इट मींस मोर न्यूक्लियाई वुड बी एबल टू जस्ट जोन से ना वो गो टू द फ्यूल रॉड विल and the fission process will reach will get faster, right, jab hum unhe bahar nikalenge the more neutrons will go and the fusion reaction will get faster, can you remember it please acha ji iska ek aur aspect bhi hai ki if you see ki ye control rod hum nikal le to yahan se coolant कोल्ड गैस आ रही है और इस टेक विल टेक हीट अवे, तो जब हम निकालेंगे इसका मतलब वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पाथ एक निकल आएगा ना, तो ज़्यादा कूलेंट फ्यूल के पास से गुजरेगा, फ्यूल में हीट प्रोड्यूस होगी, विल टेक मोर हीट अवे, राइट,
इट मींस द मोर हीट विल बी टेकन तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज बाय द फ्यूल और द प्रोसेस विल गेट फास्टर. किस कौन सा प्रोसेस? एनर्जी प्रोड्यूस करने का, राइट. नेक्स्ट इट सेज द न्यूक्लियर रिएक्टर रिलीजेज एनर्जी एट स्टेडी रेट बाय रेफरिंग टू न्यूट्रॉन्स. वट इज़ हैपनिंग टू एक्टिवेट द स्टेडी रेट? एक्चुअली जो न्यूट्रॉन्स हैं वो फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और जितने न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे ज़्यादा यूरेनियम टूटेगा, फ्यूजन होगी, प्रोसेस विल गेट रेडी. तो हमने इनको कंट्रोल करने, द कंट्रोल रोड, इनकी पोजिशन ना विल अलाउ द फिक्स अमाउंट ऑफ, अगर हम इनकी पोजिशन फिक्स कर दें, दे कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रीचिंग द फ्यूल. तो इसका मतलब ये है कि एक फिक्स अमाउंट में न्यूट्रॉन्स आगे जाएंगे और फिक्स अमाउंट में यूरेनियम जो उनसी वो टूटेगी और फिक्स अमाउंट में स्टेडी रेट पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, राइट. क्लियर. अच्छा, इसमें एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, मॉडरेटर. मॉडरेटर आर यूज टू कीप, इसका काम क्या होता है? टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन. सो दे कीप द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन स्लोअर एट स्टेडी पेस. दैट इज़ वाई द प्रोसेस रिमेन्स स्टेडी. लेकिन कंट्रोल रोड इज़ अ बेटर आंसर जो इससे पहले वाला था. अच्छा जी, नेक्स्ट उसने वही पूछ लिया कि वट इज़ द पर्पज ऑफ मॉडरेटर. द पर्पज ऑफ मॉडरेटर इज़ टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स बिकॉज इन दिस रिएक्शन वी नीड स्लो न्यूट्रॉन्स. इट आल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन. हम स्लो रेट पर एनर्जी रिसीव करेंगे जिसको कंट्रोल करना, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना आसान होगा. और दूसरा, इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड ही स्लो न्यूट्रॉन्स है. फास्टर न्यूट्रॉन विल नॉट डू दिस प्रोसेस, राइट. फ्यूजन नहीं होएगा जी. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेस फिजिक्स का. सन इज अ स्टार. यूजिंग आइडिया अबाउट फोर्सेस एक्सप्लेन द सन रिमेन्स स्टेबल. बेटा, एक सन में जो हीट की वजह से एक्सपेंडिंग फोर्स होती है, हीट की वजह से उसका जो मटेरियल एक्सपेंड कर रहा है और जो ग्रेविटी है वो सब मटेरियल को स्क्वीज कर रही है. सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जी बेटा, स्टेबल स्टार में तब होता है जब ग्रेविटी की स्क्वीजिंग फोर्स हीट की एक्सपेंडिंग फोर्स के इक्वल हो जाए, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें, राइट. जी बेटा जी, जो सन जैसा स्टार है वो अपनी एक्सेसिव हीट की वजह से एक्सपेंड होकर रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाता है. और रेड जायंट में कन्वर्ट होने के बाद जब इसकी हीट रिलीज हो जाती है तो ये सब अंदर की तरफ स्क्वीज होता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू वाइट ड्वार्फ जो कि लेटर ऑन सब मटेरियल अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है अपने सराउंडिंग का, इवन लाइट को भी अट्रैक्ट करने लग जाता है. तो इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैक ड्वार्फ. तो दीज आर द स्टेजेस. बड़ा स्टार हो तो ब्लैक होल बनता है जी. नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्बिटल स्पीड इज गिवन 30 किलोमीटर पर सेकेंड. तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो किलोमीटर्स पर सेकंड में तो इसी में कर लेते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, और अगर एक राउंड कंप्लीट कर रही है तो डिस्टेंस ले लेंगे 2πr. और ये r है जो हमने फाइंड करना है. स्पीड इज 30 किलोमीटर्स में रख रहे हैं ना, आंसर भी किलोमीटर्स में है. पाई की वैल्यू हमें पता है. आर फाइंड करना है, टाइम सेकंड्स में रखना है. तो ये पूरे साल में एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है तो 365 डेज, हर डे में 24 सेकेंड आवर्स और हर आवर में 3600 सेकंड्स. नाउ यू कैन कैलकुलेट आर फ्रॉम दिस. जी, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे,
राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में इट आस्क कि व्हाट इज मेंट बाय रेड शिफ्ट, हाउ इज इट इज कास्ट। तो बेटा रेड शिफ्ट इज इंक्रीज इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कमिंग फ्रॉम डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कमिंग फ्रॉम अ सोर्स व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम अस रिसीडिंग फ्रॉम अस राइट। रेड शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए सन का ये वेवलेंथ का ग्राफ दिखाया गया है और दो गैलेक्सीज पी एंड क्यू का। तो वन थिंग यू विल सी, गैलेक्सीज पी का ये वाला वेवलेंथ आगे चला गया है और गैलेक्सी क्यू का उससे भी आगे शिफ्ट हो गया। ऐसे ही सबके साथ हुआ। एक तो ये वेवलेंथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ उसने बताया ना राइट साइड की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इनका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा इंक्रीज और ये वेवलेंथ में इंक्रीज और फ्रिक्वेंसी में डिक्रीज मीन्स रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट कब होता है? जब ऑब्जेक्ट दूर जा रहा। इसका मतलब ये है एक तो क्यू हमसे फार्दर दूर है और जितना ज़्यादा वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब स्पीड भी उतनी ज़्यादा है। इट मीन्स क्यू का वेवलेंथ ज़्यादा इंक्रीज कर गया है तो इट शोज कि क्यू की हमसे फार्दर भी है राइट और इट इज़ मूविंग एट फास्टर रेट। तो जितने दूर होती हैं गैलेक्सीज अर्थ से उनके दूर जाने की स्पीड उतनी तेज़ होती है राइट।